दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के केस में तो जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई के केस में अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसे लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, साथ ही जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में बहस काफी दिलचस्प नजर आई, जब अचानक ही पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का जिक्र हो गया। तो केजरीवाल के मामले में क्यों हुआ इमरान खान का जिक्र, देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई अहम दलीलें दी। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता, केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि हाल ही में इमरान खान को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश सुनाया, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सीबीआई ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जेल में ही रहे और ईडी की केस में जेल से बाहर ना आ जाएं, इसकी आशंका को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। बताते चले कि पाकिस्तान की अदालत ने गैर इस्लामिक विवाह मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। इमरान खान को जेल से रिहा करने की तैयारी थी, लेकिन इसके बाद इन्हें तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत को मंजूरी दे दी थी, लेकिन तुरंत सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिंघवी ने दावा किया कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी का आधार नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।